चमक है, उत्साह है, आशा और विश्वास है, तो मुझे लगता है कि भारत का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है। When I want to know the future of India, I look not at the stars and planets, but into the eyes of the little children. If their eyes are bright and full of joy and hope, the future of India is safe. ये पढ़े तो आलम नहीं है। मित्रों, उनकी बातों को आगे पढ़ाते हुए मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि आज 21st सेंचुरी में भारत का भविष्य तभी सुरक्षित है जब आपकी आंखों में चमक के साथ साथ ग्रहों और तारों तक पहुंचने की ललक हो, यानी एस्पिरेशन आपके अंदर, तभी इस देश का भविष्य सुरक्षित। और जब हमारे छात्रों व बच्चों की आंखों में ग्रह नक्षत्रों को जानने और उन तक पहुंचने की आकांक्षा होगी, इच्छा होगी, एस्पिरेशन होगी, तब मैं समझता हूं कि भारत के हर कोने से आर्यभट्ट निकलेंगे, भारत के हर कोने से। मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आपके बीच से ही कोई ताराबाई, सतीश धवन और कल्पना चावला भी बनकर खड़ा होगा इसी तरह। और आपके सपने भी 21वीं सदी के कवित्री सुशीला काक भौरे की तरफ होना चाहिए, जो कहती हैं, मुझे अनंत असीम दिगंत चाहिए, मुझे अनंत इन्फिनिटी जिसकी कोई सीमा ना हो, मुझे अनंत असीम जिसकी कोई सीमा ना हो दिगंत चाहिए, छत का खुला आसमान नहीं, आसमान की खुली छत चाहिए, मुझे अनंत आसमान चाहिए। साथियों, स्पेस सेक्टर आज आम जिंदगी में अपनी एक अहम भूमिका का निर्वाह कर रहा है। आने वाले समय में तो लोगों की ओवरऑल डेवलपमेंट में यह भूमिका और भी बढ़ने वाली है, और आज आम लोग भी यह समझने लगे हैं कि स्पेस सेक्टर उनसे दूर की कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि यह उनकी हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और हमारी नेशनल सिक्योरिटी से यह जुड़ी हुई चीज, और हमारे गवर्नमेंट से लेकर इंडस्ट्री और हमारी रोजमर्रा की चीजों जैसे टेलीमेडिसिन, ई लर्निंग और डिजास्टर वार्निंग में भी स्पेस अपनी किस प्रकार से अहम भूमिका निभा रहा है, उसकी जानकारी आपको निश्चित रूप से होगी। साथियों, आज किसी को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आना होता है तो किसी और से रास्ता पूछने के बजाय अपने मोबाइल में मैप खोल लेता है, और कहीं किसी ट्रिप या का प्लान करना होता है तो पहले वहां से के वेदर के बारे में मोबाइल फोन से जानकारी हासिल कर लेता है। पिज्जा बर्गर ऑर्डर करके हमारे युवा साथी डिलीवरी पर्सन की लोकेशन 30 मिनट के अंदर अंदर 4 बार ट्रेस कर लेते हैं, और आप सब जरूर करते होंगे। और आज हमारे किसान भाइयों और कोस्टल एरिया में रहने वाली एक बड़ी आबादी को किसी भावी खतरे से काफी पहले ही जानकारी मिल जाती है और वह अलर्ट हो जाता है, और भारी जानमाल और संपत्ति के नुकसान से वो बच जाता है। यह सभी सुविधाएं किसी न किसी तरह स्पेस से ही जुड़ी हुई, यानी बेहतर मैपिंग, इमेजिंग और कनेक्टिविटी की सुविधा, स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, बेहतर वेदर फोरकास्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ ही हमारी सीमाओं की सुरक्षा आदि भी इस स्पेस सेक्टर से बहुत ही गहराई के साथ ये जुड़ी हुई है। COVID-19 जैसे पैंडेमिक के दौरान भी दुनिया भर को आपस में जोड़े रखने और टेस्टिंग से लेकर डाटा ट्रांसफर और एनालिसिस में किसी न किसी रूप में स्पेस की एक बहुत ही अहम भूमिका रही है। यानी महाभारत के संजय की दिव्य दृष्टि की तरह, महाभारत के संजय की दिव्य दृष्टि से आप परिचित होंगे, महाभारत के संजय की दिव्य दृष्टि की तरह ही स्पेस सेक्टर भी हमें वह दृष्टि देता है जिसके सहारे न केवल हम दूर की चीजें देख सकते हैं बल्कि उस पर प्रैक्टिकली काम भी कर सकते हैं। मित्रों, इसकी अहमियत को समझते हुए साथ ही इसके पोटेंशियल को भी देखते हुए हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को अपने विजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, एक बहुत ही अहम अंग बनाया है। नेशनल डेवलपमेंट में स्पेस सेक्टर को लेकर जो सपना किसी समय डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सतीश धवन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने देखा था, हम उसे पूरा करने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
और भी तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे और उसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन यदि होगा किसी का आप जैसे